देखो रनवास में आ गए, अब जब पूछे तो बताए दो। बात सुनो, आपने कौन से पक्षी देखे? कौन से देखे? तो देखे, अरे कौन से है? अच्छा जाको मतलब बताओ, क्या कारण है? मतलब तो तही बताऊंगी। अच्छा जाको मतलब बाद में बताओगी। हमने देखे कौआ। कौआ है? सत्य बोलते हैं? सत्य बोलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते। झूठ क्या बोला? झूठ बोला, हमारे बाप एक दिन सारो अंधो हो मरो। हाँ हम ना झूठ बोलते हैं। सही बताओ। हाँ सही बताओ, यानी पक्षी कौन से है? अरे बता रहा हूँ सही। देखो असली बात पूछना चाह रही। जी हाँ, वैसे देखो बात सही है, हम तो झूठ बोलते ही ना, पर तुम्हारो किस्सा का है, गड़बड़ क्या है? फिर बताऊंगी आपके लिए, पहले पक्षी बताओ कौन से पक्षी है। पक्षी कौन से थे? काग थे। असलियत में काग है? सच बोलते हो? सच बोलता हूँ, कसम मैं नक्कार ची की खाता हूँ। अच्छा देखो तो कसना भैया जा कर किसम खाओ। मैं कसम नहीं खवा रही हूँ ना, किसम खान से आदमी सच है जातो का। ये तो सब बेकार की बात है ना, किसम खाए ले तो का सच है तो ना। का पूछ रही? जा पूछ रही है काग है कि हंस है, ये बताओ। तो तुमने का बताओ? हमने काग बताए। अरे पागल, सारे हंस है और काग है। चुप चुप चुप, गड़बड़ कितना बतला ले महारानी। क्या बात, तुम हमारी बात को एक बात बताओ। हाँ। आदमी किस्म खा ले तो वो सच है ना, ही हो जाता नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है, कसम तो आदमी ले कर मैं खा जाता हूँ आजकल। कोई बात नहीं, जो आप कहोगे हमें करूंगी। आज साल पांच करिए और मेरे दिल की जो है इच्छा पूरी हो जाएगी। आशा भी मैगम बोलोगे ना, इसमें ज़्यादा आवाज़ मान बढ़ती है।
ठीक है, बहुत अच्छी बैठो। तुम बात बना ना जाओ। अरे कौन सी सार में जा रहे हैं भाई? ये बदमाश लड़ाई करने में चर्म सिद्धाएगी। हाँ हेलो। बात बना बताइए जा। ये 50 रुपया हमारे भाई साहब छत्रपाल मौर्य यहीं के रहने वाले बिरादरी देखे जाओ भैया। ये 50 रुपया नियुक्त में पुरस्कार करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। लला धर्मपाल है। अरे धर्म करमी मां लक्ष्मी, अरे धर्म करमी मां लक्ष्मी, दद्दा सब दिन रहते अगारी रे, अरे झूम प्राण गति राज द्वार भैया कही गई नाहर बारी रे।